गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यू हैव टू इक्वेशंस, 5x plus 3y minus 35 equal to 0. Second is 2x plus 4y minus 28 equal to 0. अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को लेकर के x and y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में is ax plus by प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में दो के दोनों इक्वेशंस हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे एक्स अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू वन अपॉन। अब दोस्तों, एक्स के नीचे क्या राइट करना है, एक्स वाला कॉलम छोड़ देना है। अब वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 और कांस्टेंट तक -35, इसके नीचे y का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे -28। इस तरह से जो भी वेरिएबल आप राइट करोगे वो वाला कॉलम आपको इग्नोर करना है। अब y के लिए y वाला कॉलम इग्नोर करोगे तो यहाँ पे राइट करोगे 5, नीचे 2, यहाँ पे -35, यहाँ पे -28। सेम इसी तरह से 1 के नीचे यानी कांस्टेंट वाले को इग्नोर करना है, 5, 2, 5, 2, 3, 4। अब दोस्तों, यहाँ पे एक मेथड है एरो लगाने के लिए। एरो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट वाले में यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ एरो। अभी मैं आपको बताता हूँ इस एरो का क्या मायने है। सेकंड में वाई के लिए नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, थर्ड वाले में ऊपर से नीचे के लिए। ये एरो इसलिए लगाया गया कि हमें ये क्लियर हो कि पहले मल्टीप्लाई किसको करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स अपॉन, अब एरो जहाँ पे लगा हुआ है उसको पहले मल्टीप्लाई करोगे। 28 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 84 आया -84। इसको राइट कर, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करोगे, माइनस की साइन आप लगाओगे। उसके बाद 35 4 जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो 35 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। निगेटिव को जब यहाँ पे राइट करोगे ये पहले से निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 5 जाए 20, 4 3 जाए 12, 2 14 140, ये प्लस में, क्यों, क्योंकि पहले से माइनस था और यहाँ पे 4 एंड -35 का मल्टीप्लीकेशन निगेटिव है, इसके लिए ये पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू वाई अपॉन। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 35 2 जा 70, तो -70, माइनस साइन पहले लगा देंगे। इसके बाद 28 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 28 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे जब तो यहाँ पे माइनस साइन है तो रिजल्ट माइनस में आएगा कि ये प्लस हुआ। 28 का 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 2 जा 10 140। इस तरह से आपका यहाँ पे आ गया 140 इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे 5 4 जा 20 माइनस 2 3 जा 6। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो x अपॉन 140 में से 84 को माइनस करोगे, 10 में से 4 माइनस हुआ 6, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 8 माइनस करोगे 56। इस तरह से ये हुआ आपका 56 इक्वल टू y अपॉन 140 माइनस 70, यहाँ पे आ गया 70 इक्वल टू 1 अपॉन 14। अब इसी इक्वेशन से के थ्रू आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे राइट करोगे x अपॉन 56, x
upon 56 equal to 1 by 14. 1 by 14. The x equal to 56 upon 14. 14 से इसको डिवाइड करोगे 14 4 जाए 56 आता है तो x equal to 4 आपका आंसर आ गया. सेम इसी तरह से y upon 70 equal to 1 upon 14. y equal to 70 divided by 14. 14 के टेबल में 70 आता है तो ये 5 हुआ y equal to 5. तो दोस्तों यहाँ पे x equal to 4 and y equal to 5 आपका आंसर आता है. आप इसमें पुट करके देख सकते हो अगर x की वैल्यू 4 पुट करोगे y की वैल्यू 5 तो ये सॉल्व करोगे आपका आंसर 0 आएगा. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मैक्सिमम. थैंक यू.